पूछो अब आप क्या बोलती है पब्लिक। एक और नया दिन, एक और नया फूड व्लॉग। आज का व्लॉग हम घर से कर रहे हैं क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी में बाहर जाके यू नो व्लॉग करना मुनासिब नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग आप लोगों को घर से दिखाया जाए। और ये हमारा पूरा सेटअप है, हमने मंगा रखा है, आपने नाम सुना होगा दिल्ली में जो पहाड़गंज एरिया में बहुत ही मशहूर राधे श्याम छोले भटूरे वाले हैं, उनकी एक ब्रांच है जो नोएडा में भी खुल गई है, तो हमने वहाँ से ऑर्डर किया है। ये ऑर्डर हमने किया हुआ है स्विगी से, तो हमने मंगाया है इसके अंदर छोले भटूरे और साथ में कढ़ी चावल। तो देखते हैं अभी कि खाने में जो इतना फेमस है, जिस चीज़ के लिए जो नाम सुना है, बहुत लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया कि पहाड़गंज जाओ, वहाँ पे आप इनका ब्लॉग करो, तो क्यों ना आप लोगों को आज उनका ब्लॉग दिखाते हैं और देखते हैं कि जनरली वो बात है इनके टेस्ट में या नहीं है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं शुरू। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, पैकिंग एकदम अच्छी दी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पैकिंग के साथ साथ इन्होंने कुछ इस तरीके से आपको खाना दिया है, मतलब मैंने अपनी साइड में यहाँ पे प्लेट और बाउल रखी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से पैक करके भेजा। ये देखिए आप, इसको देखिए, ये इन्होंने कढ़ी चावल की पैकिंग करी है और इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा भी कर लेंगे तो कहीं से लीकेज नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पैकिंग बहुत अच्छी है, लीकेज बिल्कुल नहीं है, तो इसको आप पूरी तरह इस पर भरोसा करके आप इसको खोल सकते हैं और आराम से इसमें भी खा सकते हैं, आपको प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये देखिए दूसरा, ये हमारा छोले भटूरे की पैकिंग है, ये भी जो है ये देखिए, ये छोले भटूरे हैं, इसके अंदर हमारे दो भटूरे हैं, ये एक प्लेट, ये फुल प्लेट छोले भटूरा है, इसके अंदर दो पीस मिलेंगे आपको भटूरे के और ये 100 रुपये का है। और इसके साथ आप अगर आप हाफ को हाफ प्लेट भी लेना है छोले भटूरा तो उसमें आपको एक पीस मिलेगा, वो 50 रुपये का है। सेम ये भी हमारे 100 रुपये की ये फुल प्लेट कढ़ी चावल की प्लेट है। तो चलिए इसको आप शुरू करते हैं, तो इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। थोड़ा कैमरा पास लाइए और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ इस तरीके से ये दो भटूरे हैं इसके अंदर, इसके अंदर मेरे को कुछ स्टफिंग लग रही है, एक बार देख लेते हैं क्योंकि जो भटूरा है जो वो मोटा लग रहा है मेरे को, देखते हैं इसके अंदर कुछ है क्या। हाँ, इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर इन्होंने पनीर और थोड़ा सा धनिया, ये देखिए आप, ये धनिया और पनीर वगैरह डाल रखा है इसके अंदर। तो भटूरा काफ़ी यू नो थिक है और वो भी स्टफिंग की वजह से थिक है, ऐसा नहीं कि मैदा की वजह से थिक है। और ये देखिए, ये हमारे छोले हैं, इसके अंदर आलू भी डाला हुआ है। छोले की क्वांटिटी मेरे को दो भटूरों के हिसाब से जो है वो कम लग रही है थोड़ी सी, लेकिन खैर ठीक है। और साथ में इन्होंने प्याज और हरी मिर्ची दी है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं रिव्यू। ये गया पहला बाइट, पहला बाइट हमेशा भटूरे का रहेगा बड़ा, और ये भरा इसके अंदर छोला और साथ में गया आलू और ये साथ में हमने लगाई इसके ऊपर प्याज। ये देखिए पहला बाइट, भटूरा जो है, भटूरा इज गुड, अंदर की स्टफिंग बहुत अच्छी है, आपको भटूरे के साथ साथ पनीर का टेस्ट भी आएगा इसके अंदर क्योंकि पनीर की स्टफिंग अच्छे से भरी गई है इसके अंदर। छोले की बात करूं, छोले थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर इनके अंदर थोड़ा देसी घी का तड़का लग जाए अगर, और वो भी अदरक और धनिया के साथ, तो मज़ा आ जाएगा। बट छोले अच्छे हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी बहुत हल्का सा आपको स्पाइसीनेस फील होगी उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने बोला तड़का लग जाए अगर घी का तो मज़ा आ जाएगा। एक और बाइट देते हैं। छोले के अंदर जो फील आ रही है वो जो आप घर पर बनाते हैं ना छोले, जो घर वाले छोले होते हैं एकदम काले चने, वैसी वाली थोड़ी टेस्ट आ रही है इसके अंदर। अच्छा है, ओवरऑल बढ़िया है, मतलब थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा यूनिक कहूँगा, जैसे आपको दूसरी जगहों पर जो मिलते हैं छोले भटूरे
पूरा तेल के अंदर उसको पकाया गया वैसा नहीं है, तेल की मात्रा थोड़ी सी यू नो कम दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं, राधे श्याम छोले भटूरे, सेक्टर 18 नोएडा में इनकी दुकान है और पहाड़गंज में इनकी मेन दुकान है। ओवरऑल रेटिंग मेरी छोले भटूरे की रहेगी 10 में से 7.5 नंबर, 2.5 नंबर थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए काट रहा हूँ क्योंकि छोले जो है वो थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं और इनको और अच्छा बनाया जा सकता है। जो क्वांटिटी है छोले की वो भी दो भटूरों के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से साइज़ है और जो वज़न है इन भटूरों का, उनके लिए छोले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इनको ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। राधे श्याम छोले भटूरे, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ पे काम करिए, आपको और ज़्यादा ये नो ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी आपको अगर आप क्वांटिटी अपने छोले की थोड़ी बढ़ा के दें, क्योंकि जो लोग घर पे खाना मंगा रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, अगर आप उनकी शॉप पे जा रहे हैं उनको, हाँ तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको। तो जोमेटो का ऑप्शन था एक्स्ट्रा छोले लेने का, उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़े छोले एक्स्ट्रा रख के भेजने चाहिए कंसिडरिंग द साइज़ एंड द वेट ऑफ योर भटूरा। सो गाइस, अब हमने अनबॉक्स किया है कढ़ी चावल, ये देखिए, ये हमारे इसमें कढ़ी के अंदर दो पकौड़े दिए हैं, ये चावल, चावल के ऊपर भी उन्होंने कढ़ी स्पिल करके दी है, तो कढ़ी अगर मतलब आपको यहाँ पे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पहले से मिक्स्ड है, और साथ में इन्होंने दिए प्याज और गाजर। तो इसका शुरू करते हैं रिव्यू, थोड़ा कैमरा पास में हो, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि चावल के अंदर जो कढ़ी है ना, ये देखिए, यहाँ इन्होंने ये जो होती है ना लाल मिर्च, ये लाल मिर्च, भुनी हुई लाल मिर्च जो होती है, ये कढ़ी के टेस्ट में और चार चांद लगाती है, साथ में इन्होंने हरी मिर्ची भी दी है, तो कढ़ी जो है यहाँ पे थोड़ी सी ना थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो इसके साथ ये अच्छी चीज़ करी है इन्होंने, जो साइड में कढ़ी रख के दी है ये आप डाल सकते हैं। और इसका पहला बाइट लेते हैं, ये भर के लिया हमने, नहीं है कढ़ी चावल में मज़ा नहीं आया, मतलब जो बात इनके छोले भटूरे में है ना, कढ़ी में वो बात नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कढ़ी में, मतलब यू नो कढ़ी का टेस्ट ही नहीं आ रहा, लग नहीं रहा क्या सच आप कढ़ी चावल खा रहे हैं, वो बेसन का टेस्ट नहीं है ना, इसमें नमक सही से नहीं डाला गया है, जो लाल मिर्ची होती है जो देसी घी का तड़का पड़ता है ना वो भी सही से नहीं डाला हुआ है इसके अंदर, तो कढ़ी का टेस्ट मतलब और अच्छा हो सकता है। देखते हैं पकौड़ी, पकौड़ी जो है पकौड़ी काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छे से टूट रही है, बहुत हल्का सा आप उस पर अपने चम्मच रखेंगे पकौड़ा आपका टूट जाएगा, हार्ड नहीं है। कढ़ी मेरे हिसाब से, कढ़ी अगर आप यहाँ से खाना मंगा रहे हैं, आप कढ़ी ना खाएं, कढ़ी ऑर्डर ना करें, क्योंकि जो लाल मिर्च का तड़का होता है ना, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, जो उसके टेस्ट में निखार लाता है, वही अच्छा नहीं है। आप लाल मिर्च देखिए, लाल मिर्ची एकदम मुरझाई हुई सी, रुकी सूखी सी, जो कड़क लाल मिर्च होती है, आप कढ़ी चावल खाएंगे ना कभी, कड़क होती है, मसाले अच्छे नहीं हैं साथ में, मतलब और अच्छा सो कर सकते हैं, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कढ़ी चावल में। कढ़ी को मैं दूंगा 10 में से 4 नंबर, इसकी रेटिंग मेरी 4 रहेगी, छोले भटूरे की मेरी रेटिंग 7.5 है। तो ओवरऑल अगर आप राधे श्याम से खाना मंगा रहे हैं तो आप सिर्फ छोले भटूरे पे स्टिक रहिए, छोले भटूरे इनके जिस चीज़ के लिए फेमस है वो बात है इसके अंदर, लेकिन उसमें भी थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में। तो ये मेरा आज का व्लॉग है, और आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में और कौन सी जगह है जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ का मैं व्लॉग करूँ, ये ऐसे कौन से टेक अवे वाली जगह हैं, या कहाँ पे मैं घर पे ऑर्डर कर सकता हूँ दिल्ली एनसीआर में, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फॉर श्योर वहाँ का ब्लॉग करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच।